आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अनीता जी, जी सर। आप अभी क्या करती है? सर मैं वर्तमान में राजस्थान तहसीलदार सेवा में एज अ नायब तहसीलदार तहसील लाडपुरा में कार्यरत हूँ। कहाँ पे? अच्छा, सर तहसील लाडपुरा कोटा जिले में। और आप रहने वाली कहाँ की हैं? सर मेरा बर्थ प्लेस तो कोटा है सर, लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बूंदी है। आप तो अपनों के बीच में नौकरी कर रही हो, तो वहां तो बड़ा सम्मान मिलता है। तहसीलदार, SDM, जान पहचान वाले हैं, रिश्तेदार भी आते होंगे। जी सर बिल्कुल, ये एक सम्मानजनक नौकरी है और इस तरीके का सम्मान आपको हर कदम कदम पे मिलता है। तहसीलदार और SDM के बीच में जो कोई गैप है, तहसीलदार तो बहुत व्यस्त रहता है, रजिस्ट्रियां बहुत सारे, ज्यादातर काम तो तहसीलदार के पास ही होते हैं, लेकिन आप SDM की तैयारी करके और फिर SDM बनना क्यों चाहती हो? सर एज अ तहसीलदार काम तो सर मैं अभी तहसीलदार का कर ही रही हूँ सर, लेकिन सर मैं अपने सेवाओं का विस्तार करना चाहती हूँ अच्छा एज अ अच्छा प्रशासनिक अधिकारी। सर मैं अपनी सेवाओं और ज़्यादा सेवाएं देना चाहती हूँ, तो सर उसलिए सर मैं RAS की तैयारी कर रही और हूँ। ज्यादा व्यस्त होना चाहती हो? बिल्कुल सर, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होना चाहती हूँ। आपका रोल मॉडल महाराणा प्रताप है। जी सर। महाराणा प्रताप को पढ़ने से आपको क्या मिलता है? आपके जीवन में आप उनसे क्या सीखा है आपने, और आगे क्या सीखना चाहती हैं? सर सबसे पहली सीख तो महाराणा प्रताप को पढ़ने से मेरे को मिलती है कि अपने जीवन में स्वाभिमानी होना, किसी के आगे मतलब हार नहीं मानना और अपने निरंतर अपने लक्ष्यों को अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करते रहना मतलब छोटे ऐसा छोटे भी कहा लेकिन। जाता है, यदि वो बहुत ज्यादा स्वाभिमानी नहीं होते, संघर्षशील नहीं होते, त्याग और तपस्वी नहीं होते, तो आराम से वो महलों में रह सकते थे, क्योंकि कन्हैया लाल सेठ ने वो ऐसा लिखा भी है, उनकी जो कविता है पाथल और पीतल में, अरे कहासी रोटी वाली जो कहानी में, कि महला में छप्पन भोग जता, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरा थाली पीतल। तो वो राज महलों में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलों में रहने का निर्णय लिया। जी सर। क्या था इसके पीछे उनका? सर इसके पीछे सर उनकी स्वामी भक्ति थी सर, देशभक्ति थी और उनका जो जज्बा था स्वामी भक्ति का वो था, किसी के आगे नहीं झुकना था सर उनको, और अपना जो राज्य है या अपनी जो जन्मभूमि है उससे सर बहुत अधिक प्यार। आप अभी तहसीलदार सेवा में हैं, जी सर। सरकार समय समय पर राजस्व अभियान चलाती है, जी तो ये अभियान क्यों चलाने की आवश्यकता होती है? क्या रूटीन में वर्क नहीं होता? तो इससे क्या है, जब जो काम अपना रूटीन में करना चाहिए था वो रूटीन में नहीं होने की वजह से भी सरकार को अभियान चलाना होता है पेंडेंसी को खत्म करने के लिए, तो इस तरह की समस्या क्यों आ रही है प्रशासन में? तहसीलदार सर्विसेज में आने के बाद में सर मैंने देखा कि जो राजस्व न्यायालय में जो लंबित वाद है सर वो काफ़ी दिनों तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन पे तारीख दी जाती है और प्रॉपर सर उसकी जो है पालना नहीं होती है, मतलब जो प्रॉपर जो उसकी प्रोसीडिंग होती है वो सर वो नहीं होती है। उसके पीछे भी सर बहुत सारी समस्याएं हैं कि तामीलों का नहीं होना समय पे, और जो एक तरफ अगर वादी आ जाते हैं तो प्रतिवादी नहीं आते, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सर इसके लिए जो राजस्थान सरकार या ने प्रशासन आपके द्वार या न्याय आपके संग अभियान की शुरुआत की, इसके लिए सर ग्राम पंचायत स्तर पर और जो रेवेन्यू विलेज है उनमें कैंप लगाकर जो भी तहसीलदारों की समस्या होती है वो एट स्पॉट सर निस्तारण, अगर वो निस्तारित हो सकती है तो सर उसी समय त्वरित निस्तारित कर दी जाती है। भारत में जैसे लोकतंत्र में जो चल रहा है, उसमें एक ऐसा हो गया कि हमेशा चुनाव चलते रहते हैं, तो किस तरह ये प्रभावित कर रहे हैं विकास कार्यों को, और इसका क्या समाधान हो सकता है? सर चुनाव की बात करें तो सर जैसा कि आपने सही कहा कि लगभग अगर 5 साल की सरकार है तो उसमें 3 साल तो चुनाव चलते ही रहेंगे, कभी पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, कभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो सर इसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर हमारा अभियान एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर वैसा कुछ हो जाए तो सर इन सब चीज़ों से जो अनावश्यक चंद और समय की और जो मैन पावर है उनकी जो होती है उसको शायद कम किया जा सके सर। सरकार द्वारा बच्चों को 2030 तक है कि 100% एनरोलमेंट हो जाए,
उसके लिए प्रशासन स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहे हैं सर? उसके लिए जो भी ड्रॉपआउट बच्चे हैं सर, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करके उनको जो उनके जो ड्रॉपआउट के रीज़न है सर, उनको पहचान के और सर्वे करके और इस तरह के सर कैंपेन चलाए जा रहे हैं स्कूलों में भी, जिसको प्रवेशोत्सव इस तरीके का नाम दिया गया है। उसमें सर शिक्षक और जो पूरी टीम है सर, वो ड्रॉपआउट बच्चों का मूल्यांकन करके और उनके स्कूल में नामांकन के लिए पूरे प्रयास कर रही है सर।